योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात, अगस्त तक चालू हो जाएगा एक्सप्रेसवे। राहुल गांधी ने कहा जुलाई आ गई, वैक्सीन नहीं आई, केंद्रीय मंत्रियों ने किया पलटवार। बिहार में भारी बारिश, दिल्ली वासियों को आज गर्मी से मिल सकती है हल्की राहत, यूपी में कब बरसेंगे बादल। देर रात शायर मुनव्वर राणा के घर पुलिस की तलाशी, बेटी का आरोप, प्रशासन ले रहा बदला। जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट स्टेशन में हुए विस्फोट के सैंपल चंडीगढ़ लैब भेजे गए। स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के बदायूं से। बदायूं में गुरुवार को जिला विकास अधिकारी चंद्रशेखर ने विसैली ब्लॉक कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण में कई अनियमितताएं पाई गई, जिन्हें सुधार के लिए सख्त निर्देश दिए। जिला विकास अधिकारी ने सबसे पहले ब्लॉक के साफ सफाई की हकीकत जानी, फिर लिपिकों के कक्ष की स्थिति देखी तथा अभिलेखों की पड़ताल की। एडीओ आईएसपी नरेश पाल से समूह के गठन के बारे में जानकारी ली। फिर उन्होंने एनआरएलएम मनरेगा कंप्यूटर का भी निरीक्षण किया। इसके बाद वीडियो नरेंद्र बाबू कटियार के साथ अधूरे निर्माण कार्य कराने की समीक्षा की। कुछ अधूरे निर्माण कार्यों को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला विकास अधिकारी ने कहा रिपोर्ट देखी है, कुछ कमियां पाई गई हैं जिन्हें जल्द सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि सुधार न होने पर कार्रवाई की जाएगी। उनको पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं और सुधार के लिए समय दिया गया है। अगर सुधार उस समय के अंतर्गत सुधार नहीं करेंगे तो संबंधित विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान महा की शुरुआत पर हरी झंडी दिखाकर जन जागरूकता अभियान रैली की शुरुआत की। जिला अधिकारी ने अपने कलेक्ट्रेट परिसर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। उसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से भी हरी झंडी दिखाकर संचारी रोग नियंत्रण महा की शुरुआत की गई। अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें ग्रामीण इलाकों में जाकर जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को साफ सफाई के बारे में समझाएंगी और जो रोग एक दूसरे से गंदगी से संचार होते हैं उन्हें रोकने के उपाय बताएंगे। उत्तर प्रदेश में आज 1 जुलाई से 31 जुलाई 2021 तक चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत मुरादाबाद में भी जिला अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर जन जागरूकता रैली की शुरुआत की। इसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। अब अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। देखिए, आज संचारी रोग माह का आज प्रारंभ हुआ है, पहला दिवस है। अगले 30 दिनों तक ये अभियान चलेगा। इसके पीछे मंशा ये है कि जितने कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनकी रोकथाम के लिए समुचित प्रयत्न करना। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, नोडल डिपार्टमेंट है, इसके अलावा जो लाइन डिपार्टमेंट है उन सब के कोऑपरेशन से, जैसे नगर निगम हुआ, नगर पालिका हुआ, ग्राम विकास हुआ, पंचायती राज हुआ, सबके सहयोग से, शिक्षा विभाग हुआ, इन सबके सहयोग से एक अभियान चलाना, जन जागरूकता अभियान चलाना, जिससे ये कम्युनिकेबल डिजीज पर रोकथाम की जा सके और इसके अलावा सफाई पर, सफाई और पेयजल की शुद्धता पर विशेष अभियान चलाया जाएगा इस दौरान। खबर है उत्तर प्रदेश के संबल से। संबल के जूनाबाई विकासखंड चबूतरा विकासखंड में पूर्व में हुए घोटाले की जांच आखिर कौन दबाने में जुटा हुआ है। एक पीड़ित की तरफ से घोटाले की शिकायत के बाद जिला स्तर से एक जांच टीम बनाई गई थी, जिसमें जांच के बाद बड़े घोटाले की बात सामने आई है। वहीं ऑफ कैमरा उच्च अधिकारियों ने इस मामले में आरोपी ग्राम प्रधान व लाखों के रुपए घोटाले के मुख्य आरोपी उमेश कुमार पर कड़ी कार्रवाई की बात कही, पर अब इस मामले में हल्के हल्के ढील दी जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस गंभीर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। महीनों बाद भी जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई नहीं की गई है। सूत्र बता रहे हैं आरोपियों के उच्च स्तर पर संपर्क होने के चलते जिम्मेदार अधिकारी मामले में कोई भी कार्रवाई करने से डर रहे हैं। वहीं दबंगई के नशे में चूर लाखों के घोटाले का मुख्य आरोपी उमेश कुमार लगातार स्थानीय लोगों से अभद्रता करता नजर आ रहा है, जिसकी शिकायत लेकर किसान व ग्रामीण अधिकारियों से चक्कर लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जब ग्राम विकास अधिकारी उमेश कुमार को फोन लगाया जाता है तब उमेश कुमार फोन पर अभद्र व्यवहार करता है, साथ ही बोलता है मुझे कॉल ना करना, जिसके चलते ग्रामीण परेशान होकर स्थानीय अधिकारियों से शिकायत करने को मजबूर हैं। घोटाले की जांच जिला स्तरीय एक टीम कर रही है, पर इस मामले में आखिर चल क्या रहा है हमें जानकारी नहीं है।
क्या बनवाना है? डीसी मैडम सचिव साहब बना नहीं पा रहे। क्या नाम है सचिव का? अरे उमेश। कौन से ब्लॉक में हो? तो फोन करा आपने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, क्या बोले? तो यूँ बोले कि आपका कुछ मर गया है। हाँ तो आपने कॉल करी। अच्छा फिर रखे चार दिन पहले गाड़ी रखे किसान क्या है कि अब नहीं बनेगा तो आपसे इस तरीके से बात करी। हाँ और 10-15 जने तो इनके सामने जाके बोल रहे कि मेरी इच्छा मैं जाके उठाऊँ नंबर नहीं उठाऊँ आपसे फोन करने का मैं कि आपसे मैं आप कॉल नहीं करूँगा आज। सरकार प्रशासन के लोग तो कह रहे हैं शासन के कि फोन उठाएंगे कर्मचारी फोन नहीं उठाएंगे आपको मना करके मेरी इच्छा नहीं उठाऊंगी। फिर कहा फिर मैंने ज़्यादा कहा तो कि दूसरे नंबर से कॉल करते हैं आप। अच्छा अपने नंबर से कॉल करो तो उठाऊंगा और नहीं उठाऊंगा। पहले भी इसके द्वारा जो है इस तरह की बदतमीजियों की शिकायत आई है और इसके जो व्यवहार है वो पहले से खराब है जनता के प्रति। पहले इसने एक पत्रकार के साथ भी अभद्रता की थी और जनता के साथ इस तरह का व्यवहार रहता है। इसके ऊपर एक भ्रष्टाचार का मामला भी चल रहा है, उसमें भी जांच हो रही है। इसकी जानकारी ऊपर जो है दे दी गई है और इस तरह से दोबारा गलती ना करें इसके बारे में एडी पंचायत साहब को कहा गया। लेकिन विकासखंड जुनावी के जो हालात हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। यह और भी बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर माननीय विधायक जल्दी अवगत रहे। देश में पेट्रोल डीजल व निर्मित उत्पादों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल व भारी भरकर टैक्स लगाने से पेट्रोल और डीजल 100 रुपए पहुंच चुका है। सरसों का तेल 200 रुपए प्रति लीटर हो गया है। रसोई गैस की कीमत और बढ़ा दी गई है। वही रेलवे में वरिष्ठ नागरिक को छूट दी जाती थी वो भी समाप्त कर दी गई है। दवा सब्जी इत्यादि के दामों आदि में बढ़ोतरी हुई है। सरकार की ओर से लगातार महंगाई के बढ़ने से आम आदमी की कमर टूट चुकी है। अगर इस तरह से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी तो आम जनमानस अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा। वहीं पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष इमरान मंसूरी द्वारा बताया गया अगर सरकार द्वारा महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया गया तो पीस पार्टी द्वारा जन आंदोलन पूरे देश में किया जाएगा। सरकार की अघोषित इमरजेंसी के विरोध में पीस पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। ये अंग्रेजों की औलादें हैं, इनके शासन से ऐसा मालूम होता है। तकरीबी करते हैं और रोने भी नहीं देते। बिजली का दाम देखिए, पेट्रोल की रेट देखिए, क्या महंगाई है। इस महंगाई के दौर में 144 लगाकर हर जिले के अंदर ये धरना प्रदर्शन अपने खिलाफ बगावत होने वाली चीज़ को रोकना चाहते हैं। ऐसे बगावत को ये लोग कब तक रोकेंगे? एक न एक दिन इस महंगाई के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ पूरी जनता, पूरे प्रदेश की जनता बिगुल जरूर फूंक देगी और इस सरकार का हम विरोध करते हैं। जनपद फिरोजाबाद की प्रशासन की तानाशाही की वजह से पीस पार्टी का धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। हम लोगों ने जिलाधिकारी के समक्ष ज्ञापन, महंगाई बिजली गैस पेट्रोल डीजल को लेकर हम लोगों ने फिरोजाबाद जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और इस तानाशाही रवैया, हिटलर शाही रवैया जो इस सरकार जो अपना रही है, लोगों को आवाज़ नहीं उठाने दे रही, तो इससे कानून का और एक संविधान का हनन है। ये तानाशाही रवैया सरकार अपनाए हुए है लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में एक बड़े ताकत के साथ पीस पार्टी आंदोलन करेगी, किसी प्रशासन की सुनने वाली नहीं है। खबर है जनपद एटा से, जहां सरकारी काशीराम आवास कॉलोनियों में रह रहे वहां के स्थानीय लोगों ने दर्जनों लोगों पर जबरन कॉलोनी में अवैध कब्जा करने और अय्याशी का अड्डा बनाने का आरोप लगाया है। और कॉलोनी में कोई भी व्यक्ति विरोध करता है तो ये दबंग उसके साथ मारपीट करते हैं और पुलिस से सांठगांठ कर उसे पकड़वा कर प्रताड़ित करने के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें ये पूरा मामला थाना अलीगंज के काशीराम कॉलोनी का है, जहां के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शाम होते ही ये काशीराम कॉलोनी गुलजार हो जाती है। अलीगंज की इस काशीराम कॉलोनी में शहर से अच्छे खासे लोग अपनी निजी गाड़ियों से आकर यहां अय्याशी करने आने का आरोप लगाते हुए बताया कि दर्जनों लोगों ने यहाँ खाली पड़ी कॉलोनी में दर्जनों आवासों पर जबरन अवैध कब्जा कर लिया है।
फिर उसमें गलत काम कराए जाते हैं। वहीं लोगों ने जिला प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन और पुलिस अनजान बनी हुई है। अब देखने की बात तो होगी कि यहाँ के स्थानीय लोगों की इस जटिल समस्या के प्रार्थना पत्र का जिले के वरिष्ठ अधिकारी कब तक संज्ञान लेते हैं। समस्या ये, बाहर के लोग आते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं, कोई किसी के बीच में बोल दे उससे ही लड़ने के सीधे हो जाते हैं। और क्या करते हैं? और यहाँ आते हैं, पीपी के दिन भर चक्कर लगाते हैं, बिना किसी की माँ बहन बैठी उनसे बदतमीजी देके जाते हैं। आप लोग शिकायत नहीं करते इसका? शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या कह देते हैं पुलिस? क्या कह देते हैं? कुछ नहीं, आपस के मैटर आते हैं, बस पूछताछ करके चले जाते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।